नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। राज्य अतिथि गृह सभागार में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी बसंत कुमार पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि मुझे कुमाऊं प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और मेरे द्वारा सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भ्रमण शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर कुमाऊं प्रभारी जितेंद्र फुलवार भी मौके पर मौजूद रहे। कन्नैलाल से अजमल हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। धन्यवाद। कुमाऊं के नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले की मुझे जिम्मेदारी है और प्रत्येक विधानसभा में हमारा जो भ्रमण कार्यक्रम ये चल रहा है और इसी पे सभाएं की जा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है, जो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 1 फरवरी से देहरादून से हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा मोबाइल बैन, जो आपके वीडियो मोबाइल बैन है, उनका 70 के 70 विधानसभाओं में फ्लैग ऑफ करके जो है मार्च किया गया था। वह 70 के 70 विधानसभाओं में वो मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम, आम आदमी पार्टी की नीतियों को बताने का काम और उत्तराखंड सरकार के लीडर को दिखाने का काम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ 45 दिनों के अंदर, 1 अप्रैल से लेके 45 दिनों के अंदर हमारा पूरे उत्तराखंड में 1 लाख एक्टिव कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेरा जिन विधानसभाओं की मेरे पास जिम्मेदारी है उन सारे विधानसभाओं में हमारे कुमाऊं के प्रभारी हैं फुलारा जी, इनके साथ और हम दोनों द्वारा पूरे विधानसभाओं में भ्रमण करके इन कार्यों को देखा जा रहा है और अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन किया जा रहा है कि किस तरीके से हम आम आदमी पार्टी की नीतियों को और उनकी उपलब्धियों को जो दिल्ली में उन्होंने अभी तक दिखाई हैं उस मॉडल को उत्तराखंड के लोगों को दिखा सकें और उत्तराखंड प्रदेश में आने वाले समय में उसी प्रकार की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लोगों को मोबिलाइज करके आम आदमी पार्टी की तरफ प्रेरित करके ला सकें, ये प्रयास किया जा रहा है। 1 लाख एक्टिव कार्यकर्ता बनाने का 45 दिनों के अंदर हमारा प्रयास है जी। 1 फरवरी से शुरू हो चुका है और 70 विधानसभाओं में 70 बहनें जा चुकी हैं, चल रही हैं जी। और कोई सवाल आपके हो तो आप बता सकते हैं। दिव्य आपदा में भी कुछ पार्टी का कोई? हाँ, देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने एक्शन लिया है और हमें बड़ा दुख है इस बात का कि इस तरीके से जो घटना घटी है, वहाँ पर एक महिला का वीडियो आ रहा था कि एक मंदिर था जो तोड़ दिया गया सरकार के द्वारा उस टाइम पे बनाते समय, और उन्होंने काफ़ी प्रयास किए अपने अपने। हमें, मेरा मतलब ये है कि जनता के आस्थाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है कि शायद जो केदारनाथ का जो मसला हुआ था उसके बाद की जो घटनाएं हुई थी उनसे सरकार द्वारा कोई सबक नहीं लिया गया, पुनः उस क्षेत्र में इस तरीके की घटना हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इसके लिए अवेयर होना चाहिए और जो लोगों की जाने गई हैं उनके लिए बेहतर तरीके से सोचना चाहिए। और ये बड़े दुख की बात है कि हम उनके जो लोग वहाँ पर जिनकी जाने गई हैं उनके परिवार की, उनके आत्मा की शांति के लिए दुआएं करते हैं और हमारे पार्टी स्तर पर भी हमारे द्वारा बहुत जल्दी उस पर एक्शन लेके प्रदेश की सरकार को जगाने का काम किया गया।